अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। तो वेलकम हो गया आप लोगों का आसिफा कुक एंड लुक में। तो बहुत टाइम से मैंने देखा, बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हम अपने फेस का डेली रूटीन आप हमें बताएं बोल के, और आप लोगों को भी जानकारी चाहिए थी कि अभी जैसे गर्मी है तो आपको कैसे क्या करना चाहिए अपने फेस के साथ और क्या नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ में आज थोड़ा शेयर करूं। तो अभी तो मैं जस्ट बाहर से आई हूं, तो मेरे चेहरे पे बहुत डर्ट भी है, धूल मिट्टी से आई हूं, और ऑलरेडी मैंने मतलब पहले से मेकअप किया भी था तो सब अभी तक जमा है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सोने से पहले क्या यूज़ करती हूँ, किस वजह से मेरा चेहरा क्लीन रहता है और जल्दी मुझे पिंपल क्यों नहीं आते। तो चलिए देखते हैं। तो मैं तो डेली अपने चेहरे पे दो बार फेस वॉश यूज करती हूँ, डे एंड नाइट में। यानी कि मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठती हूँ दोपहर के टाइमिंग पे, या तो मॉर्निंग में, और एक रात को सोने से पहले, क्योंकि दिन भर हम पूरा गर्म में धूप में काम करते हैं, बाहर कभी आते जाते हैं, धूल मिट्टी हमारे चेहरे पे बैठती है। तो हमारा काम है रात को सोने से पहले हमारे चेहरे को क्लीन करके उसको विटामिन्स देना, ताकि वो क्लीन भी रहे और वो अच्छे से मतलब अच्छा रहे, सॉफ्ट हो, शाइनी हो और उस पर पिंपल्स वगैरह ना आ पाए। तो जिस तरीके से हमारी बॉडीज को विटामिन्स की, कैल्शियम की जरूरत होती है, हमारे फेस को भी होती है, जो हम अक्सर नहीं देते हैं। तो अगर आप ये चीजें नहीं कर पाओ ना, तो आपका डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि दिन में कम से कम 5 से 6 बार आप जब भी काम कर रहे हो, या तो नॉर्मल पानी से या तो हल्के गुनगुने पानी से आप अपने फेस को वॉश करते रहा करें। तो उससे क्या है ना, आपका चेहरा हमेशा क्लीन रहेगा। तो मैं तो दिन में अक्सर अपना चेहरा मतलब धोती रहती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप साबुन या फेस वॉश यूज करो, नॉर्मल पानी से धोइए, तो उससे चेहरा आपका हमेशा क्लीन रहेगा। तो ये तो हमारी पहली टिप्स थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब मैं बताती हूँ अपनी दूसरी टिप। दूसरी टिप हमारी ये है कि आप डे में कभी भी जैसे घर से बाहर जाने वाले हो, अभी जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी में आप लोगों को अक्सर ये चीज करनी है कि आपके पास SPF 50 या SPF 15 या 40 वाली आपके पास कोई भी ऐसी क्रीम होगी जो आपको डे में जो सन बर्न है ना, उससे प्रोटेक्ट करे। तो जैसे कि मेरे पास तो गार्नियर लाइट है, गार्नियर ब्राइट है, ये गार्नियर ब्राइट कंप्लीट है, ये स्किन नेचुरल है, तो ये यूवी वाली है, ये सनबर्न से मुझको मतलब प्रोटेक्ट भी करती है, और इसमें विटामिन सीरम भी है और सब है मतलब। तो ये मुझको थोड़ा अच्छी पड़ जाती है, मेरे हिसाब से मुझे सूट होती है। तो मैं इसको अक्सर धूप में अगर बाहर निकलती हूँ तो इसको अप्लाई करके जाती हूँ, या तो इसको अप्लाई करके फिर इसके ऊपर मैं अपना मेकअप यूज करती हूँ। आप चाहो आपको जो भी क्रीम आपके चेहरे को सूट करती हो आप वो लगाएं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही रिकमेंड की हुई लगाएं, जो आपके चेहरे को सूट करे आप वो जरूर क्रीम लगाएं। तो अब मैं करने वाली हूँ अपने चेहरे को पहला फेस वॉश। तो आपके पास जो भी फेस वॉश हो जो आप डेली यूज करते हो, हमेशा आप अपने पास एक फेस वॉश रखो, चाहे वो पॉन्ड्स का हो, जो भी जो आपके चेहरे को सूट करे। स्पेशली गर्मी में प्लीज पपाया वाला फेस वॉश मत लीजिएगा, लेना है तो चारकोल वाला या तो एलोवेरा वाला, जो आपके चेहरे को ठंडक दे। और जिनकी ड्राई स्किन है वो पपाया वाला यूज कर सकते हैं। फ्लेवर्ड के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ प्रोडक्ट, ताकि आपके चेहरे को यूज हो। मेरे पास तो फोमिंग फेस वॉश है, तो इसमें साथ में ब्रश भी आता है, तो ये मेरे चेहरे को रब भी कर देता है अच्छे से, तो क्लीनअप मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलो देखते हैं हम इसको लगाने का तरीका, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि फेस वॉश करने के बाद आपको क्या अप्लाई करना है। ओके, देख सकते हो पहले मेरी स्किन कैसी दिख रही थी, थोड़ी हल्की डलनेस आ गई थी इस पे और थोड़ी रेड जैसी थी। और आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी स्किन को किस तरीके से मैंने ड्राई किया, यानी कि टैप करके इस तरीके से। कभी भी अपने स्किन को ऐसा रगड़िएगा नहीं, इससे आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आएंगे। और मैं अक्सर रात को अपने फेस पे, अपने लिप्स पे, लिप बाम से पहले लिप स्क्रब लगाती हूँ थोड़ा सी, ये लगा के मैं इसको थोड़ा रब करूंगी 2-5 मिनट तक। उसके बाद फिर इसको मैं ड्राई टिश्यू से या तो वेट टिश्यू से इसको मैं पोंछ दूंगी। तो
देखा, मैंने स्क्रब कर लिया अपने लिप्स को और सॉफ्ट हो गए, और जो एक्स्ट्रा हमारे निकले होते हैं ना लिप्स के छिलके, वो सब एकदम क्लीन हो गए, मस्त हो गए। तो आप ये चीज याद रखिए, अभी गर्मी का मौसम है, तो स्पेशली आप लोगों को बोलूंगी गर्मी में कभी भी चेहरे पे कॉफी और ऐसी कोई चीज अप्लाई मत करना कि जिससे आपका चेहरा और पिंपल आने लगे और बहुत ज्यादा ऑयली हो जाए। जिनका ऑयली है उनको तो रिकमेंड करूंगी कि आपके पास उपटन या चंदन ऐसी कोई चीज, ऐसा मतलब पाउडर होगा चंदन का या उपटन का, तो उसमें आप चुटकी भर हल्दी और हमारा जो रोज वाटर होता है वो, और एक विटामिन ई की आप लोगों ने देखे होंगे ग्रीन कलर की कैप्सूल आती है, उसको काट के उसका जो ड्रॉप होता है ना वो एक ड्रॉप आप डाल के उसको मिक्स करके चेहरे पे लगा के सुखा के धो, हफ्ते में एक बार करो, आपका चेहरा क्लीन रहेगा और ठंडक बनी रहेगी चेहरे पे, और आपको पिंपल और दाने वगैरह बहुत कम आएंगे। और डायरेक्ट कभी भी चेहरे पे हल्दी या फिर जो दूसरी चीजें होती है, जैसा कि आप कॉफी हो गई और पपैया का कुछ हो गया रस वगैरह, ऐसा मत अप्लाई कीजिएगा। हाँ, आप टमाटर घिस सकते हो या तो फिर दूध में चुटकी भर हल्दी, दूध या दही में, और थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स करो और उसको अप्लाई करो, तो आपका चेहरा अच्छा भी रहेगा। जिनका मतलब ड्राई है उनको थोड़ा ऑयल थोड़ा चेहरे पे आ जाएगा, स्मूथनेस भी आएगी। तो मैं फेस वॉश करने के बाद स्पेशली रात को लगाती हूँ अपने चेहरे पे विटामिन सी। हाँ, मेरे पास विटामिन सी सीरम है, या तो सीरम या तो फेस ऑयल भी आता है, आप वो रख सकते हो। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपके पास कोई भी मॉइस्चर क्रीम होगी ऐसी जो बहुत ज्यादा मॉइस्चर ना हो, जैसे कि लैक्मे वाली हो गई, मैंने कि आप लोगों को पहले ही बताया था लैक्मे की, लैक्मे पिच मिल्क, तो आप वो भी यूज कर सकते हो रात को लगा के सो, सुबह आपका चेहरा फ्रेश भी रहेगा और नॉर्मल भी रहेगा। लेकिन अगर आपको स्मूथ स्किन चाहिए तो आप विटामिन सी की या तो सीरम रखो, या तो इसकी गोलियां मिलती है वो लेकर आओ, रात को उसको कूट के थोड़ा सा दूध में, या तो नॉर्मल जैसे कि आलमंड ऑयल हो गया ऐसा कोई ऑयल में मिक्स करके अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हो, नहीं तो रोज वाटर में मिक्स करो आप विटामिन सी की। हमारी जो ये है टैबलेट्स है, टैबलेट्स मिलेंगी आप लोगों को, कैप्सूल नहीं आती है विटामिन सी की, विटामिन ई की कैप्सूल्स आती है, आप वो भी साथ में ऐड कर सकते हो, उसको मिक्स करके अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करके रात को मसाज करके सो जाओ, रिंकल्स से और थोड़ा पिंपल से आप लोगों को निजात मिलेगी और चेहरा आपका स्किन जो है ना वो शाइनी और सॉफ्ट दिखेगा। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलो मैं लगाती हूँ विटामिन सी। देख लिया मैंने किस तरीके से विटामिन सी सीरम को अपने चेहरे पे अप्लाई किया। आप कोई भी चीज लगाओ तो फेस के साथ साथ अपने नेक तक लगाओ, वरना क्योंकि अगर आप खाली इतने हिस्से में अगर कोई भी चीज अप्लाई करोगे तो इसका कलर और इसका कलर डिफरेंट लगेगा। तो अगर आप लोगों को दोनों कलर सेम चाहिए तो कभी भी कोई भी चीज आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हो तो उसको यहां तक जरूर अप्लाई कीजिएगा अपने नेक तक, वरना वो डिफरेंट हो जाएगा। और मैंने तो अपना चेहरे का मसाज अच्छे से कर लिया है। वैसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ विटामिन सी सीरम, दो दिन तीन दिन आड़ से या एक दिन आड़ से तो लगाती ही हूँ। और मैं मेरे चेहरे पे वैसे भी जल्दी पिंपल नहीं आता, क्योंकि डे में मैं ऑलरेडी, मैंने कहा ना जैसे कि नमाज के टाइम पे हो गया, हम जब वजू करते हैं तो उस वक्त तो हमारा चेहरा धुलता ही है, साथ ही साथ मैं नॉर्मली काम भी करती रहती हूँ ना गर्म में, जैसे खाना बना रही हूँ या कुछ, तो उस टाइमिंग पे मैं जितने टाइम अपना हाथ धोती हूँ चाहे पसीना निकले चाहे कुछ भी, उतने टाइम में अपना फेस भी वॉश करती रहती हूँ। आप लोग भी याद रखो कि आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है ना तो उसको खाली पोंछ के मत छोड़ो, तो वो आपके चेहरे पे फिर जम्स पैदा करता है, जिस वजह से आपको पिंपल्स रिंकल्स इन सब चीजों की इश्यू होती है, डलनेस डार्कनेस, तो ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से आप ये चीज हमेशा करो कि आप अपने चेहरे को क्लीन रखने के लिए अगर कोई फेस वॉश यूज नहीं कर रहे हो तो आप डेली उसको दिन में 5 से 6 बार एटलीस्ट धोते रहो चेहरे को अपने, इस तरीके से खाली नॉर्मल पानी से वॉश कर लो काम के तुरंत बाद या काम करते करते ही करोगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने लगा लिया, अब मैं लगाऊंगी अपने लिप्स पे लिप बाम। तो ये मैं लगाती हूँ तो इससे मेरे लिप्स जो है हमेशा सॉफ्ट भी रहते हैं और सिल्की भी रहते हैं, शाइनी भी रहते हैं, और जल्दी ये जो फटते हैं ना वैसे नहीं होते हैं। अक्सर मैं भूल जाती हूँ तो मेरे होंठ गर्मी में भी बहुत फटते हैं, ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं हमारा लिप बाम।
था, मैंने थोड़ा ज्यादा लिप बाम लगाया मास्क की तरह। ये एक्चुअली 3-in-1 है, अगर आप चाहो नॉर्मली डे में खाली ऐसे ही लगाओ तो ये आपके लिप पे लिप बाम हो जाता है, और रात को आप थोड़ा मोटी परत लगाओगे तो ये लिप मास्क भी हो जाता है आपके लिए। बट ये मिटना नहीं चाहिए, इसको लगा के सो जाओ तो आपको ये डे में अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट लिप देगा, पिंकी पिंकी लिप देगा। तो मैं कभी कभार थोड़ा ऐसे लगा लेती हूँ, ज्यादा लिप मास्क बना लेती हूँ रात को अक्सर, और डे में कभी कभार मेरे लिप्स कभी कभार फटते बहुत है, मेरे लिप्स अक्सर फटते हैं चाहे गर्मी हो ठंडी हो चाहे बारिश हो। तो मुझे ये बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि अगर नहीं लगाऊंगी तो मेरे लिप्स में से खून भी आता है, ऐसा हो जाता है, ब्लड आते हैं, इतना फट जाता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं चलता है। तो मुझे तो ये हमेशा रिकमेंड है, मुझे तो ये लगाना ही ऐसा है, ध्यान रखना ज़रूरी है, क्या करें, कभी कभार करना पड़ता है। तो ये था मेरा आज का डेली रूटीन जो मैंने आप लोगों से अपना शेयर किया, मेरा खुद का जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं लगाती हूँ। अगर आपके घर में गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके पास नहीं है विटामिन सी, तो मैं बोलूँगी लगाइएगा भी नहीं ऑयल रात को इतनी गर्मी में, क्योंकि फिर वो आपके चेहरे पे पिंपल देगा। मैं सीधा साफ बता रही हूँ, मेरे घर में अभी फिलहाल नहीं है इतनी गर्मी, और मैंने कूलर लिया है तो मैं तो उसमें सोती हूँ, मुझे ठंडी लगती है, तो मेरे लिए तो ये बेटर है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, आप हर 3 दिन पर, मैंने कहा ना मिल्तानी मिट्टी मिलती है, वो आपको सस्ती पड़ेगी, वो लेकर आओ, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली बस उसमें रोज वाटर डालिए 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, या रोज वाटर से ही उसको आप हल्का पतला कीजिए, और उसमें ज्यादा कुछ मत डालिए, थोड़ा सा नींबू का 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए, वो थोड़ा आपके चेहरे को क्लीन कर देगा। और साथ ही साथ में अगर आपको थोड़ा ऑयली चाहिए तो 1 चम्मच दूध मिक्स कर दीजिएगा, 1 चम्मच या कुछ ड्रॉप, या तो दूध और जो रोज वाटर है दोनों मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालिएगा कि गाढ़ा पेस्ट बन सके। गाढ़ा पेस्ट बना के अपने चेहरे पे हर 3 दिन आड़ पे आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करके उसको सुखा के धो दिया कीजिए, तो इससे आपका चेहरा अच्छा भी रहेगा और शाइनी सिल्की भी रहेगा, आपको किसी और चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपके पास अगर अदर क्रीम है जो आप रात को यूज करते हैं, या कोई ब्रांडेड क्रीम आप यूज करते हो, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो एज यू विश। तो ये था हमारा आज का डेली रूटीन, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को मुझसे और क्या चीज चाहिए आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो रहेगा वो इस चीज पर रहेगा कि मैं हाफ लाइनर कैसे लगाती हूँ और फुल लाइनर कैसे लगाना चाहिए, या किस टाइप का अच्छा लगेगा आप लोगों को, जो नॉर्मली आप लगा करके विदाउट मेकअप भी निकल सकते हो, क्योंकि 2-3 लोगों ने इसका क्वेश्चन किया है कि आप हाफ लाइनर कैसा लगाते हो। तो इंशाल्लाह ये चीज मैं जरूर बताऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज तो हमारा फेस रूटीन हो गया, मैं तो जा रही हूँ अब सोने, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहिएगा, मेरा साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतना प्यार देने के लिए, और फुल वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय।